उसकी मदर का बहुत स्ट्रगल है इसमें। उसकी मदर उसको साइकिल पे 15 किलोमीटर यहाँ पे हमारी अकेडमी 36 सेक्टर में यहाँ खरड़ से लेके आते थे, वो सुबह लेके आते थे, लंच भी साथ ही बना के लाते थे। तो एक मेरे को इंसिडेंट याद है कि एक बार इसको मैंने कहा कि सुबह 5:30 बजे मिलेंगे हम, कहते ठीक है सर 5:30 मिलते हैं हम सुबह ग्राउंड में। तो ये 5:30 नहीं आया, ये 6 बजे के करीब आया। तो मैंने इसको कहा कि तू लेट हो गया, क्या चक्कर है? कहना सर ऐसे लेट हो गया थोड़ा सा। तो मैं कहा अगर तू इतने राउंड लगाता है एक्स्ट्रा राउंड लगाएगा थोड़ा तेरे पनिशमेंट दूंगा, तू लेट हो गया कि मैं तेरी वेट कर रहा हूँ। कहना हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, दे दो पनिशमेंट, 2-3 राउंड एक्स्ट्रा लगा लेंगे। जब हमने नेट खत्म किया तो घर जाने लगे थे। इसकी मोस्टली जब साइकिल होती मेरी गाड़ी के पास ही खड़ी रहती थी। तो उस दिन इसकी साइकिल नहीं मैंने देखी, मैंने कहा यार तेरी साइकिल कहाँ है, तू आज आया कैसे? कहता सर क्या बताऊँ, मैं तो पैदल आया हूँ, मेरी तो साइकिल पंचर हो गई थी। कहता सुबह बीइंग अ कोच, पहली बार आप कब सरप्राइज हुए थे हर्षदीप की बॉलिंग को देख के कि भाई ये बॉलर बड़ा अच्छा और बड़ा तगड़ा बॉलर बन चुका है ये? तो हमारा मैच चंडीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट पटियाला से चल रहा था, तो वहाँ जो मनीष वाली कोच है स्टेट टीम का तब, तो इसने लास्ट में 3 ओवर डाले जिसमें सिर्फ 3 में से 4 या 5 रन दिए। उसमें इसने कोई 18 बॉलों में कोई 10 यॉर्कर मारे होंगे। तो उसके जो हमारे अगेंस्ट थी टीम पटियाला, उसमें भी कई स्टेट प्लेयर खेले थे अंडर 19 के, तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। उस वक्त मैं भी इम्प्रेस हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छे यॉर्कर मार रहा है, इसने तो रन ही नहीं बनाए। एक टाइम पे तो हर्षदीप को ट्रॉल भी किया जाता था कि भाई तू पता नहीं क्या है, तू पता नहीं क्या है, पर आज बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। पंजाब में एक जैसे हम कहावत है कि पंजाबी बड़े दिलदार बंदे होते हैं, ये होता है, तो एक अनक सी होती है पंजाब वालों के अंदर कि नहीं यार कुछ करना है। फिर इसके फादर आए एक दिन मेरे पास, कहते सर इसको मिल तो रहा है नहीं कुछ भी, तो मैं इसको कनाडा शिफ्ट कर रहा हूँ, अपने बड़ा बेटा मेरा वहीं है सेटल हुआ, तो मैंने माइंड बना लिया है कि हमने सबने तो इसको वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाजी, जैसे आपका डिसीजन है वो आपका ठीक है, आप अगर भेजना चाहते भेज दो। फिर अर्श मेरे पास आया कि नहीं सर वो फादर से मेरे भेज देंगे कि मेरे को 1 साल और लगाने दो, आप बात करो। मैं कहा मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात कर लो अपने पेरेंट्स से शाम को जाकर। फिर इसने अपने पापा को कहा कि मुझे 1 साल दे दो। तो आपको इस चीज़ की कितनी खुशी हुई थी कि जो बच्चा आपके सामने आया था आज वो बड़ा होके आपका, अपने पेरेंट्स का, स्टेट का, सबका नाम ऊंचा रखा? तो शुरू से इसको एज ए डिसिप्लिन वाइज इसको बहुत अच्छा रखा। अभी भी आता है ग्राउंड में, आता है अगर ग्राउंड में दूर है झाड़ू पड़ा तो अपने खुद विकेट पे झाड़ू मार लेता है, कि बारिश आ रही हुई थी लड़के कवर डाल रहे हैं तो ये खुद बाकी कवर डालता है। तो ये बड़ा डाउन टू अर्थ है, अभी भी हम्बल है। हेलो जी, सत श्री अकाल, मैं साहिल, आप देख रहे हैं जी न्यूज 18। आज से करीब एक हफ्ता पहले वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की। और जीत के बाद इंडिया के हर एक प्लेयर का, हर एक खिलाड़ी का बड़ा ही मान सम्मान से उनका स्वागत किया गया हर जगह पर, चाहे वो इंडिया हो या चाहे बाहर वाली कंट्रीज हो। पर फिलहाल हम आज पंजाब में हैं, तो पंजाब में एक सितारा जो कि वर्ल्ड कप में जिसने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, नाम है जिसका जी अर्शदीप। आज हम आए हैं जी अर्शदीप जी के कोच जी के पास, जसवंत जी के पास, और जानते हैं किस तरीके से उन्होंने अर्शदीप को ट्रेंड किया, उनको किस तरीके से उन्होंने जो खेल आज वो जिस मुकाम पर आज खड़े हैं, कितना उनका स्ट्रगल रहा और किस किस तकलीफों से निकलकर आज उस पंजाब के सरदार ने इतना नाम रोशन किया है। जसवंत सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग की कि अर्शदीप जो कि आज बहुत बड़ा नाम बन चुकी है, तो हम आज जानना चाहते हैं कि अर्शदीप जी की कुछ वो बातें जो एक प्लेयर की सक्सेस के बाद याद की जाती हैं, क्योंकि सक्सेस हर किसी को दिखती है, स्ट्रगल किसी किसी को दिखता है, या है ना। तो हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि अर्शदीप जो आज इतना बड़ा नाम है उसके बारे में, आपने उनको कोच ट्रेनिंग दी थी 2013 में, तो हम आपसे कुछ उनकी बातें जानना चाहते हैं। जसवंत जी प्लीज बताएं। पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल से सारे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरी BCCI को, पूरी टीम को, और जिनका भी योगदान रहा है इसमें कप लाने में, हर की एक एक कंट्रीब्यूशन है जिनकी, उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और मुबारक देता हूं। बाद अर्शदीप 13 साल का था जब मेरे पास आ गया था, इसके फादर मेरे पास लेके आए थे, उन्होंने शायद इसको पार्क में कहीं, एक जी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये जो बाल बाल खोलते फिर पार्क में चले जाते बाल सुखाने के लिए, तो वहां पे कहीं बैठे हुए थे, बाल खोल के अर्श बाल सुखा रहा था, इसने कहीं बॉल पकड़ा हुआ, कहीं बच्चे खेल रहे होंगे टेनिस बॉल, तो इसने 4-5 बॉलें वहां फेंकी थी। उसके पेरेंट्स ने इसको देखा, फादर ने, कि ये तो बॉल कर रहा है अच्छा सा, हाथ भी घुमा रहा है, एक्शन वगैरह अच्छा लग रहा है। तो उसके फादर खुद क्रिकेटर रहे हैं, फास्ट बॉलर रहे, तो उनको कुछ लगा होगा कि देख के उनको लगा कि नहीं इसको क्रिकेट में हम डाल देते हैं। एक्चुअली वो सर्विस क्लास पर्सन थे, उस वक्त जॉब कर रहे थे वो CIS में,
तो वो मेरे पास लेके आया कि सर इसको देखो, हमें तो अच्छा लग रहा है ये, कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मैंने उसका ट्रायल लिया, मैंने कहा दो चार बोले फेंक के बता, तो वो दो चार बोले फेंकी कि थोड़ा टॉल था उस वक्त भी, तो हाई हम एक्शन से बॉल कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाजी, लग तो अच्छा रहा है कि आप एक दो साल इसको अकेडमी में डालो, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट आता कि नहीं आता। कहते ठीक है भाजी, मैं तो अभी तब उनके एमपी में पोस्टेड थे वो, तो वो कह रहे मैंने चले जाना तो इसकी मदर ही लेके आया करेंगे, मदर ही लेके जाया करेंगे। तो उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे वो उसने ज्वाइन की अकेडमी। फिर उसकी मदर का बहुत स्ट्रगल है इसमें, उसकी मदर उसको साइकिल पे 15 किलोमीटर यहाँ पे हमारी अकेडमी 36 सेक्टर में यहाँ खरड़ से लेके आते थे, रोज सुबह लेके आते थे, लंच भी साथ ही बना के लाते थे। फिर वो लंच के टाइम इसको पार्क साथ में 36 का एक पार्क है, वहाँ बैठे रहते थे सारा दिन। फिर जब शाम को फिर अकेडमी शुरू होती थी इसको खिला के जब फिर वापस लेके जाते थे। तो तीन चार साल उनके मदर ने काफ़ी तपस्या की। जब 15-16 साल का हो गया, फिर मदर को कहा कि आप इसको खुद का साइकिल दे दो, बड़ा हो गया ये खुद आ जाया करेगा। तो एक मेरे को इंसिडेंट याद है कि एक बार इसको मैंने कहा कि सुबह 5:30 बजे मिलेंगे हम, कहते ठीक है सर 5:30 मिलते हैं हम सुबह ग्राउंड में। तो ये 5:30 नहीं आया, ये 6 बजे के करीब आया। तो मैंने इसको कहा कि तू लेट हो गया, क्या चक्कर है? कहना सर हाँ ऐसे लेट हो गया थोड़ा सा। तो मैं कहा अगर तू इतने राउंड लगाता है, एक्स्ट्रा राउंड लगाएगा, थोड़ा तेरे पनिशमेंट दूंगा, तू लेट हो गया कि मैं तेरी वेट कर रहा हूँ। कहना हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, दे दो पनिशमेंट, 2-3 राउंड एक्स्ट्रा लगा लेंगे। जब हमने नेट खत्म किया तो घर जाने लगे थे। इसकी मोस्टली जब साइकिल होती मेरी गाड़ी के पास ही खड़ी रहती थी, तो उस दिन इसकी साइकिल नहीं मैंने देखी। मैंने कहा यार तेरी साइकिल कहाँ है, तू आज आया कैसे? कहता सर क्या बताऊँ, मैं तो पैदल आया हूँ, मेरी तो साइकिल पंचर हो गई थी, कहता सुबह। तो मैं जब घर पहुंचा फिर मैंने इसके बारे में सोचा, यार ये तो लड़का बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है, पैशनेट है कि पैदल आ गया 15 किलोमीटर पैदल जाएगा ये। तो मैंने कहा ये तो कुछ बनेगा इस पर। तो उसके बाद मेरे को भी लगा कि इस पर थोड़ा सा मेहनत करानी पड़ेगी हमें, तो और अच्छा बन सकता है ये करने लगे। फिर हमने और मेहनत करानी, मैंने उस पर ध्यान थोड़ा ज्यादा देना शुरू हो गया। फिर U16 स्टेट खेल गया ये पंजाब से। उसके बाद फिर इसको एक दो साल का फिर गैप पड़ गया, ये थोड़ा सा इसको डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफ ऑन और तरह स्टेट नहीं खेलने को मिले। 18 साल का हो गया था। फिर इसके फादर आए एक दिन मेरे पास, कहते सर इसको मिल तो रहा है नहीं कुछ भी, तो मैं इसको कनाडा शिफ्ट कर रहा हूँ, अपने बड़ा बेटा मेरा वहीं है सेटल हुआ, तो मैंने माइंड बना लिया है कि हमने सबने तो इसको वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाजी, जैसे आपका डिसीजन है वो आपका ठीक है, आप अगर भेजना चाहते भेज दो। फिर अर्श मेरे पास आया कि नहीं सर वो फादर से मेरे भेज देंगे कि मेरे को 1 साल और लगाने दो, आप बात करो। मैं कहा मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात कर लो अपने पेरेंट्स से शाम को जाके। फिर इसने अपने पापा को कहा कि मुझे 1 साल दे दो और, कि फिर मेरे पास अगले दिन आया कि सर मेरे पास 1 साल है, जितनी मेहनत करा सकते आप कराओ, और जितनी मेहनत कराओगे चाहे सुबह मेरे को 7 बजे बुला लो, रात को 10 बजे घर भेज दो, सारा दिन ग्राउंड में रखो, पर 1 साल में मैंने कुछ बनाना, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ सकता, मैंने कनेडा नहीं जाना। तो हमने 1 साल बहुत मेहनत की इस पे। तो भगवान की दुआ से इसकी मेहनत है सर, इसका फल मिला उसको। अगले साल वही 19 में ये U19 वर्ल्ड कप खेल गया, उसी साल ये IPL में सिलेक्ट हो गया वर्ल्ड कप खेलने के बाद। तो उसके नेक्स्ट ईयर जब IPL में 2022 में इंडिया खेल गया। क्या बात है आपकी ना जुबान से ये कहानी सुन के ना गूज़बम्स आ गए, क्योंकि ना अक्सर ये कहानियां सुनते थे, आज ये बीती हुई बात हमने एक खिलाड़ी पे देखी है जिसका आज बड़े ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जा रहा है, अर्शदीप का। तो सर जब ये आपके पास आया था 2012 में मेरे ख्याल से आपके पास आया था, 2011-12 के आसपास आया था, 13 साल का था ये। ठीक है, और जब ये क्रिकेट वाली जर्नी, इंडिया में सिलेक्शन होना या इंडिया के लिए खेलना, ये सोच, क्योंकि एक शुरुआती जो बच्चा होता है, बच्चे की सोच ये होती है कि मैंने प्लेयर अच्छा बनना है, आगे कहां तक जाना है उसका नहीं पता, प्लेयर मेरे को अच्छा बनना है। तो जैसे 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 इसको सक्सेस मिलती गई, आपने हर एक वो स्टेज देखी कि फर्स्ट स्टेप इसका यहां था, सेकेंड स्टेप यहां था, थर्ड स्टेप इसका इंडिया में गया। तो पहला स्टेप अर्शदीप ने जब पार किया या उसमें एंटर हुआ वो कौन सा था? पहले तो सबसे पहले जब इंडिया U19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ, सबसे पहले वो तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी, कौन सी ईयर में होता है? आई थिंक वो 2020 या 21 के आसपास की बात है जब वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो पहले तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो इसके साथ और फास्ट बॉलर थे तो उनकी पेस बहुत ज्यादा थी, वो 150+ में बॉल डाल रहे थे। उनमें था एक नागरकोटी था, एक शिवम मावी था, एक फास्ट बॉलर था, तो हम में 138-140 तक टच कर रहे थे। फिर मैंने और इसने हमने मैंने भी सोचा कि अगर इनको कम्पीट करना पड़ेगा तो हमें कुछ नया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पेस वाइज हम ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर और पेस बढ़ा सकते हैं, 150 तक नहीं जा सकते, अगर ज्यादा करेंगे तो इंजर्ड हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, इसको वेरिएशन पे काम किया कि हम शॉर्टकट में इसके IPL के लिए तैयारी करते हैं, कि अगर अगर T20 में अगर इतनी पेस से हमारे पास वेरिएशन होगी तो हम उस पर आगे जल्दी निकल सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने वही काम किया, वो एक ट्रिक खेला हमने कि देखते हैं ऐसा करके कि इसको यॉर्कर में और रेपुटेशन लेके आए, इसकी स्लो वन में रेपुटेशन लेके आए,
इसके स्लो बाउंसर में जितनी वेरिएशन थी उस पर रेपिटेशन करते रहते थे बार बार में स्पॉट बॉलिंग करा करा के। फिर जैसे ये आईपीएल में पिक हुआ तो उसमें वेरिएशन थी, तो ये वेरिएशन करके फिर सेकंड आईपीएल में ये डेप्थ में सबसे बेस्ट बॉलर रहा, तो उसकी बदौलत से इंडिया टीम में आना चला। और जो वो बाकी बॉलर थे उनमें वेरिएशन कम थी, तो इसलिए हम उनको कम्पीट कर पाए। तो एक यही था हमारा, और उसके जो हमें जो सोचा था, हमने जो प्लान किया था, वो हमारा सक्सेस हुआ। बीइंग अ कोच, पहली बार आप कब सरप्राइज हुए थे हर्षदीप की बॉलिंग को देख के कि भाई ये बॉलर बड़ा अच्छा और बड़ा तगड़ा बॉलर बन चुका है, ये अब ये बड़े बड़े लोगों को मात दे देगा? जो मैंने एक आधा एक्सपीरियंस हर किसी का होता है कि जब इंसान शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये तूने क्या कर दिया। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी बॉल से उड़ाना और पूरे T20 वर्ल्ड कप में 17 विकेट ले जाना, ये मेरे ख्याल से किसी आम इंसान की या आम गेंदबाज की बात के बस की बात नहीं है। अर्शदीप ने पूरे अपने T20 के इस करियर में, T20 के इस जो खेल का ये जो समा रहा है, इसमें उसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं। तो आपके लिए पहली बार जब उसने विकेट ली थी, जब आपने देखा था, तो आप कब किस बॉल पे आप शॉक्ड हुए थे, वो समय कौन सा था? एक्चुअली इसको हमने, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको कनाडा शिफ्ट करने वाले थे, हमने एक साल बहुत ज्यादा लगा। तो उसी साल पहले पंजाब की डिस्ट्रिक्ट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस के बाद स्टेट की टीम बनती है। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट ना खेलता या स्टेट ना खेलता, तो शायद इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप ना खेलता। तो हमारा मैच चंडीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट पटियाला से चल रहा था, तो वहाँ जो मनीष वाली कोच है स्टेट टीम वाला तब, तो इसने लास्ट में 3 ओवर डाले, जिसमें सिर्फ 3 में से 4 या 5 रन दिए। उसमें इसने कोई 18 बॉलों में कोई 10 यॉर्कर मारे होंगे। तो उसके जो हमारे अंगेंस्ट थी टीम पटियाला, उसमें भी कई स्टेट प्लेयर खेल रहे थे अंडर 19 के, तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसके बाद मैं भी इम्प्रेस हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छे यॉर्कर मार रहा है, इसने तो रन ही नहीं बनाए। तो वो कोच मेरे पास आया कि सर ये लड़का बहुत अच्छे यॉर्कर मार रहा है, ये कहाँ से सीखा है, ये कौन है सरदार जी, इतनी अच्छी बॉल कर रहे हैं। मैं कहा हाँ, मैं कहा हमने प्रैक्टिस तो की थी, पर मैच में अब ये अच्छा कर रहा है। वो कह रहा है ऐसे यॉर्कर सर मैंने तो नहीं देखे स्टेट में, ऐसे बॉलर 19 लेवल तक। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि आप देखो, इसका नाम रिकमेंड करो आप स्टेट कैंप के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है। तो उससे उसी दिन मुझे लगा कि नहीं, ये अब कुछ हम कर सकते हैं। और मैं ना रिसेंटली ये पीछे देख रहा था, क्योंकि ना मेरे ख्याल से 2003 पता नहीं 7 में वहां पे भी सरदार थे, और 2011 पता नहीं 13 वाले मैच में भी सरदार थे, और इस मैच में भी सरदार है। सरदारों, क्योंकि पूरे 11 प्लेयर होते हैं, 11 में से तीनों में एक एक सरदार था, और तीनों सरदारों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जीता। ये कितना सर प्राउड वाली बात होती है, बिकॉज हम ना जैसे विचरते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, तो हम देखते हैं कि सरदार बड़ा मान अपनी स्टेट का, क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में सिक्खी जरूर है, सिक्खी मेन है ना, तो सरदारों के नाम का एक डंका चलता है कि भाई सरदार हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील करवा रहे हैं। जैसे दिलजीत हो गया, अब अर्शदीप हो गया, ऐसे ऐसे प्लेयर, ऐसे ऐसे सिंगर्स, ऐसे ऐसे एक्ट्रेस निकल के आ रहे हैं, जिससे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे जाके चाहे लगा लो, चाहे आप वर्ल्ड वाइड लगा लो। तो इस चीज के साथ आपको कितनी खुशी होती है, क्योंकि एक टाइम पे तो अर्शदीप को ट्रॉल भी किया जाता था कि भाई तू पता नहीं क्या है, तू पता नहीं क्या है, पर आज बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। आज अर्शदीप के आने की वेट हो रही है, उसके वेलकम का लोग इंतजार कर रहे हैं, हर घर में खुशी है। देखो टैलेंट तो पूरे भारत में बहुत भरा हुआ है, हर स्टेट से अच्छे लड़के आते हैं, बॉम्बे से आते हैं। तो आपने अभी सरदारों की बात की या पंजाब की बात की, तो पंजाब में एक जैसे हम कहावत है कि पंजाबी बड़े दिलदार बंदे होते हैं, ये होता है, तो एक अनक सी होती है पंजाब वालों के अंदर की नहीं यार कुछ करना है। तो जैसे आप हॉकी में देख लो, हॉकी में ज्यादा मैक्सिमम पंजाब के प्लेयर्स हैं, जैसे आपने सिंगर्स की बात की या कुछ किया, तो ऐसा नहीं है, पंजाब में भी टैलेंट बहुत है, पूरे हिंदुस्तान में टैलेंट बहुत है। तो सरदारों में एक अलग सा तब लगता है कि 11 में एक ही सरदार खेल रहा है, तो तब हमें अलग सा लगता है। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा अनक रहती है, दिलदार रहते हैं, मौला मस्त रहते हैं, वो अपना एक जो धुन है उनको एक सवार हो जाता है कि धुन में कि ये चीज है तो हमने करनी करनी है। तो ये थोड़ा सा रहता है पंजाबी बंद में। और क्या कोच को कितनी ज्यादा खुशी हुई थी जब पता चला कि भाई जब ड्यूरिंग द T20 जब अर्शदीप विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट लेता था, और लास्ट वाले मैच पे फाइनल मैच पे उसने दो विकेटों है ना, उसने दो विकेट्स उसने ली, तो क्योंकि ना जो इंसान एक तो पेरेंट्स हो गए, माँ बाप हो गए, एक जो उसको बच्चा सिखाता है वो उसका कोच हो गया, इन तीनों के अंदर जो फीलिंग होती है वो बयान कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक अंदर एक दर्द भी होता है, बंदा इमोशनल भी होता है कि यार तूने क्या कर दिया, मतलब कहां तक हमारा नाम भी तूने कहां तक पहुंचा दिया। तो आपको इस चीज की कितनी खुशी हुई थी कि जो बच्चा आपके सामने आया था आज वो बड़ा होके आपका, अपने पेरेंट्स का, स्टेट का, सबका नाम ऊंचा करता है?
एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल है ये कि एक काम और कूल रहता है जब मैच होता है, जितने प्रेशर वाले मैच रहते हैं उसमें काम कूल रहता है, लेकिन ये डिसिप्लिन बहुत है। अभी जैसे मैंने आपको डिसिप्लिन की बात बताई कि इसका साइकिल पंचर हो गया था, इसने तब भी मेरे को बताया, तो शुरू से इसको एज ए डिसिप्लिन वाइज इसको बहुत अच्छा लगता। अभी भी आता है ग्राउंड में, आता है अगर ग्राउंड में दूर है झाड़ू पड़ा तो अपने खुद विकेट पे झाड़ू मार लेता है, कहीं बारिश आ रही हुई थी लड़के कवर डाल रहे हैं तो ये खुद भाग के कवर डालता है, तो ये बड़ा डाउन टू अर्थ है, अभी भी हम्बल है, तो इसमें काफी डिसिप्लिन है। तो डे बाई डे जैसे ही मैच खेला इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो पहला मैच हम जैसे खेले आयरलैंड के साथ, इसने 2 ओवर में 6 रन दिए थे, उसके बाद लास्ट के 2 ओवर में से 29 रन दे दिए, फिर इसको एक टेस्ट मैसेज भेजा मैंने, बॉल लंबा जोड़ा, उसमें खट्टा मीठा था सब कुछ, उसमें मोटिवेशन भी थी। तो उस मैसेज में अगर मैं अगर जिक्र करूं मैसेज में, तो उसमें मैसेज में सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया था। उसमें यही कहा था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें वर्ल्ड कप में मिली है, तो जितने भी लेजेंड बॉलर है चाहे बुमराह है हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के, तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम नंबर वन पे रहें या इकोनॉमी वाइज हम विकेट टेकर वाइज रहें। तो इसको मैंने ये कहा था कि यू कैन डू इट, तो ये कर सकता है और तुमने ये करना है। उसके बाद डे वाइज जैसे मैच खेलता रहा, तो लास्ट मैच में इसने अपने आप को प्रूव किया, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन ने 2 विकेट लिए और 19वें ओवर तो इसने बहुत मार्वल्स डाल दिया, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर 19वें ओवर में 8 या 10 रन भी चले जाते तो शायद हम मैच ना जीत पाते, क्योंकि ये इसका 4 रन वाला जो ओवर था बहुत क्रूशियल था। तो आप बिलीव करोगे जब ये बॉल डाल रहा था तो मेरी आंखें बंद थी, मैं मैच वो 6 बॉल मैं देख नहीं पाया, वो मैं हाईलाइट्स में देखी, क्योंकि मैं इतना टेंस था कि अगर ये 10 या 12-15 रन पड़ गए तो 150 करोड़ की भावना जुड़ी हुई है, तो लोग बाद में इस पे एलिगेशन देंगे अर्श के द्वारा हम मैच हार गए, अगर इसने मैच जिता दिया तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और साथ में मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मैं आंखें बंद कर रहा था, एक तरफ मेरे बेटा बेटी बैठे थे, जब डॉट बॉल थी तो मैं आंखें खोलता था, फिर अगली नेक्स्ट बॉल होती थी फिर वो चलाते रहे डॉट बॉल, फिर मैं आंखें खोल लेता था, फिर मैं आंखें बंद कर रहा था कहते सिंगल, फिर मैं आंखें खोलता था। तो वो 6 बॉल मैं बहुत टेंस में था, जैसे टेंस वाला माहौल था, पर जब इसने 4 रन दिए फिर आंखें खोली, लास्ट में 16 रन थे, फिर मैंने आंखें खोली, क्योंकि लास्ट में 16 रन डिफेंड करना इजी हो जाता है। तो ये डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है और अभी भी यंग है, 25 साल का है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 2-3-4 वर्ल्ड कप और भारत को जिता के ला सकते हैं। बाकी देखो ये टीम गेम है, इसमें टीम सबका कंट्रीब्यूशन है, किसी ने हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है, कोचिंग स्टाफ का कंट्रीब्यूशन है, बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन है, तो ये जितना कंट्रीब्यूशन होगी एज ए यूनिट, बॉलिंग यूनिट में बैटिंग यूनिट सबने अपने अपने कंट्रीब्यूट किया। आपकी बात हुई थी वैसे जैसे वर्ल्ड कप के बाद आपकी बात हुई है? जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ तब तो ये जश्न मना रहे थे, इसको मैं टेस्ट भेजा और वही जो मैं कह रहा हूँ कि पहले दिन इसको जो मैसेज डाला था वो इसको मैं कोड करके भेजा, इसने जो कहा था कि यू कैन डू इट, इसको मैं पूरा भेजा कि हमने ये प्लान किया था पहले मैसेज और यू हैव डन इट। तो इसने फिर आगे से मेरे को अपना थैंक यू कोसा करके, फिर अगले दिन में जब इससे बात हुई थी वीडियो कॉल हुई थी, तो ये जा रहा था कहीं पार्टी में, तो इसने मेरे को मैंने वीडियो कॉल की, फिर इसने मेरी कॉल लगी नहीं, फिर इसकी कॉल बैक आई मेरे को, तो मेरे भी इमोशनल आंखों में आंसू थे। फिर मैंने इसको ये कहा कि बेटा वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया। कहना हाँ सर आई हैव डन इट, कहना जो आपने कहा था मैंने कर दिया वो चीज़। तो शुरू से इसको एज ए डिसिप्लिन वाइज इसको बहुत अच्छा लगा, अभी भी आता है ग्राउंड में, आता है अगर ग्राउंड में दूर है झाड़ू पड़ा तो अपने खुद विकेट पे झाड़ू मार लेता है, कहीं बारिश आ रही हुई थी लड़के कवर डाल रहे हैं तो ये भी खुद भाग के कवर डालता है, तो ये बड़ा डाउन टू अर्थ है, अभी भी हम्बल है।